हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको अपने कुत्ते स्केटर के साथ सिल्वर डॉलर लेक ट्रायल पर ले चलता हूँ, जो डेनवर से 55 मील यानी 88 किलोमीटर दूर है। डेनवर कोलोराडो राज्य की राजधानी है और यह राज्य अपने नेचुरल वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका के इस राज्य में बड़े बड़े पर्वत, घने वन, ऊंचे ऊंचे मैदान, घाटियाँ, पठार, नदियाँ, रेतीली ज़मीन, सब कुछ देखने को मिलता है। यह राज्य ट्रैकर्स का स्वर्ग है। अब मैं आपको अपने प्यारे कुत्तर स्केटर के बारे में बताता हूँ। आप में से जो स्केटर को नहीं जानते, उनको मैं यह बताऊं कि स्केटर को मैंने पिछले महीने एनिमल रेस्क्यू से अडॉप्ट किया। स्केटर अभी यह 15 महीने का ही है, इसलिए बहुत छोटा और बहुत शैतान है। इसको भी मेरी तरह दूर दूर नई जगहों में घने जंगलों के बीच प्रकृति के नज़दीक घूमना बहुत अच्छा लगता है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि यह स्केटर के लिए अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से कितना अलग है, जहाँ यह घर में ही सब कुछ जाना पहचाना है, वहीं प्रकृति में सब कुछ नया है। और यहाँ आकर स्केटर को हर चीज़ सूंघना जानना अच्छा लगता है और यह भूल जाता है कि मैं भी उसके साथ हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, अक्सर लोगों के चलने से जंगलों और पहाड़ों में पगडंडियाँ बन जाती हैं, वे ही ट्रेल कहलाती हैं। और यह सिल्वर डॉलर लेक ट्रेल तो हाइकिंग करने वालों का स्वर्ग है। इसका एक तरफ का रास्ता लगभग 3 किलोमीटर लंबा है और इसको आना जाना पुला मिलाकर 6-6.5 किलोमीटर का हो जाता है, जिसमें हम लगभग 1000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाई है। और इस सिल्वर डॉलर लेक ट्रायल की शुरुआत में आपको एस्पन, देवदार, चीड़, स्प्रूस के घने जंगल देखने को मिलते हैं। आप देख ही रहे होंगे ये जंगल कितना घना है। कुछ लोगों यह भी कहते हैं कि इस जंगल में काले भालुओं का डर रहता है, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। एक बात आप देख रहे होंगे कि जंगल में गिरे हुए पेड़ों को भी नहीं हटाया गया है और उन्हें जंगल में वैसा ही छोड़ा हुआ है, जो यहीं सड़कर हजारों लाखों दीमक और चींटियों का घर बन जाएगी। यह मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ ट्री लाइन खत्म हो गई और वह नीचे दूर लोर लेक दिखाई दे रही है। यह किसी की निजी संपत्ति है, अतः यहाँ बिना अनुमति के आना मना है। लेकिन अगले दो लेक जो हमको मिलेंगे वह पब्लिक प्रॉपर्टी है और हम वहाँ जाएंगे। ऊपर चढ़ते हुए सामने 14,270 फुट ऊंचा इवांस और 14,060 फुट ऊंचा ब्लेयर स्ट्रेट पर्वत दिखाई दे रहा है। यह बात जरूर है कि इस छोटे से ट्रेल की यात्रा बहुत आकर्षक और अविस्मरणीय है। मैं यहाँ धीरे धीरे चलते हुए 1.5 किलोमीटर आगे आ गया हूँ और मुझे अब ये देखिए सामने चांदी सी सिल्वर डॉलर लेक दिखने लगी है।
और मेरा कुत्ता भी खूब एंजॉय कर रहा है। मैंने अब उसके गले की चेन खोल दी है। अब मैं उसके और प्रकृति के बीच में और अधिक बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। उसको भी इस सुंदर वातावरण में घूमने का पूरा अधिकार है। स्केटर तो यहाँ पानी देखकर बहुत खुश हो गया और दौड़ दौड़ कर पूरा आनंद ले रहा है। बीच बीच में यह दौड़ते दौड़ते गायब हो जाता है और मुझे दिखता ही नहीं, लेकिन मेरे जोर जोर से बुलाने पर फिर वापस आ जाता है। यह अल्पाइन सिल्वर डॉलर लेक 13,700 फीट ऊंचे स्क्वायर टॉप पर्वत के नीचे स्थित है और यहाँ पहुँचकर ऐसा लगता है कि हमारे चारों ओर चांदी ही चांदी बरस रही है। इस झील के स्वच्छ पारदर्शी धूप में पानी बहुत चमकता है। कहते हैं इस झील में ट्राउट मछलियाँ भी मिलती हैं और फिशिंग करने के लिए परमिट लेना होता है। सामने झील के दूसरी ओर जंगली फूलों की भरमार है। हरे भरे वनस्पति से घिरे हुए सिल्वर डॉलर और नायलोर झील का दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पर मुर्रे झील है जो इस ट्रेल का अंतिम छोर है। इसके आगे भी एक सुंदर स्थान है। हमारे उत्तर दिशा में 13,000 फुट ऊंचा अर्जेंटाइन पीक और 13,400 फुट ऊंचा माउंट विलकॉक्स पर्वत खड़ा है। ऐसा लगता है कि हमको हाइकिंग के लिए आमंत्रण दे रहा है। अगले बार मैं आऊँगा तो ज़रूर इन पर्वतों पर चढ़ूँगा। इन लेक्स के पास पीका जो जंगली चूहा होता है, मैरमटोस जो जंगली गिलहरी होती है, बड़े सिंगों वाली जंगली भेड़, जंगली बकरी भी मिलती हैं, पर हमारे साथ तो स्केटर हैं और उसके भौंकने से यह पहले ही छुप जाते हैं। मैं स्केटर के लिए और अपने लिए घर से पानी और कुछ खाना लाया था। यहाँ पर हम अब आधा घंटे रुकेंगे और चारों ओर के वातावरण का मज़ा लेंगे। काफ़ी देर सुस्ताने के बाद अब हम वापस लौट पड़े। एक बार तो ज़रूर है। इस हाइक में ऊपर चढ़ने के साथ साथ नीचे लौटने का भी बहुत मज़ा आता है। हल्की ढलान को आप एक बार में ही दौड़कर पूरा कर सकते हैं। घने जंगलों को पार कर जहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू होता है, मेरी कार वहीं पर पार्क है। एक बात तो ज़रूर है कि इस ट्रेल में बाथरूम की व्यवस्था नहीं है और उसकी आपको कमी महसूस होती है। अब हम अपनी कार में पहुंच गए हैं और 88 किलोमीटर दूर डेनवर जाएंगे। मैं तो आज सुबह 4 बजे उठ के आ गया था और जब मैं वापस लौट रहा था तो मुझे कई हाइकर्स ऊपर की ओर आते मिले। सिल्वर डॉलर झील ऐसी झील है जिसकी प्राकृतिक सुंदरता को आप कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, आपको भी जब कभी समय हो तो यहाँ ज़रूर आएं। और एक और बार, अगर आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो मीट विद यू इन ए नेक्स्ट न्यू एक्साइटिंग प्लेस। थैंक यू।